स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. जो पहला क्वेश्चन है ये है, अ मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर. एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है बेसिकली. सो मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर. तो पूरा अगर हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो ये जो 1 किलोमीटर है और नेक्स्ट 1 किलोमीटर है, पहला 1 किलोमीटर जाता है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरा जाता है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. ठीक है, हाँ जी बेटा बताओ. कोई किसी को कुछ डाउट है क्या? कोई हैंड रेज कर रहा था. ये ओप्पो A5S बताइए बेटा, कुछ पूछना है आपको? गलती से हो गया था क्या? निशांत आपको आवाज जा रही है? आपका ये कनेक्टेड नहीं है, जो माइक है वो कनेक्टेड नहीं है. आप माइक कनेक्ट करेंगे तभी आपको आवाज सुनाई पड़ेगी. निशांत चलिए, तो एवरेज स्पीड हम लोगों को निकालना है. तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. ये देखो डिस्टेंस जो S1 है ये दे रखा है, ये S2 दे रखा है और स्पीड भी दे रखा है. यहाँ V1 दे रखा है और V2 दे रखा है. तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम T1 अगर निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है 1/6 आवर्स हो जाएगा, और T2 निकालोगे तो ये 1/8 आवर्स हो जाएगा. So, अब हम लोगों को एवरेज स्पीड जो होगा, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल S1 + S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन T1 + T2. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 1 + 1 हो गया, टोटल टाइम टेकन 1/6 + 1/8 हो जाएगा. तो 1 + 1 2 हो गया. और यहाँ पे LCM अगर हम लोग 24 ले लेते हैं तो 6 4s are 8 3s are. So this is 2 × 24/7. So which is equal to 48/7 km/h. ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया यहाँ. ठीक है, आसान क्वेश्चन था. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक और चीज हम लोग ना शायद देखो वहां बात चल रही है 21st से वहां पे सेंटर खुल जाएगा है ना, या तो 21 से खुलेगा या 1 तारीख से खुलेगा, ऐसा बोल रहे हैं वहां पे जो गवर्नमेंट के सोर्सेस हैं. तो 21 तारीख से खुल जाएगा तब तो अगले वीक से ही खुल गया मतलब मान, और अदरवाइज 1 से तो 1 तारीख से तो पक्का ही खुल जाएगा. और दूसरा ये भी है कि जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस भी अब वहीं पे हुआ करेंगे. बेसिकली हम लोग वहाँ पे एक जो हमारा प्रोजेक्टर है उस प्रोजेक्टर को कंप्यूटर के साथ लगा के, और उस कंप्यूटर में भी जो कैमरा एक लगा के, और जिससे कि हम भी आप लोग को देख पाएंगे क्लास में बैठे हुए, और आप लोग वहाँ पे पूरे प्रोजेक्टर पे बड़े स्क्रीन पे क्लास कर पाएंगे. तो जिससे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो एक तो बड़ी बड़ी दिखे आप लोगों को, आप लोग आधे लोग जो फोन पे करते हैं तो फोन पे शायद उतनी अच्छी विजिबिलिटी आती नहीं होगी, और कनेक्शन का भी इशू रहता होगा, डेटा भी खत्म हो जाता होगा, बहुत सारे इश्यूज रहते होंगे. वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फिर आप सेंटर पे ही जाके ये ऑनलाइन वाला भी मॉड्यूल कर पाएंगे. ऑनलाइन तो हम लोग कंटिन्यू ही करेंगे, तो ऑनलाइन भी करेंगे और ऑफलाइन भी करेंगे, तो इस तरह से हम लोग साथ में लेके चलेंगे. ठीक है, शायद 21 से हो या फिर 1 तारीख से. सर वहां पे स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा? आप बोलिए, आपको स्टार्टिंग से करना है? नहीं, अगर होता तो अच्छा रहता, रिवीजन होते चलता पीछे से. अच्छा, लेकिन दो चैप्टर एक साथ खुल जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, दोनों तरफ से काम बढ़ जाएगा तो.
दोनों तरफ से क्या, उधर तो मैं रिवीजन ही ना होगा, बाकी सब तो किया हुआ ही है। ठीक है बेटा, वो हम लोग बात कर लेंगे, देख लेंगे एक बारी, जैसा भी होगा सर स्कूल का विचार जैसा होगा उस हिसाब से काम। सर हाँ बेटा, सर एक ही चैप्टर दो टीचर पढ़ाएंगे तो हम लोग कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, मतलब ये कुछ और पढ़ा रहे हैं वो कुछ और पढ़ा रहे हैं, और वैसे बात है आप अलग पढ़ाएंगे, अपने तीन से अलग पढ़ाएंगे। नहीं हम लोग एक ही चैप्टर दो लोग पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वहां पे क्वेश्चंस पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। चलो उस पे बात कर लेंगे, जो भी जैसा है वैसा हम देख लेंगे, ठीक है? अभी तो जब स्टार्ट होने तो उसके बाद उस पे बात करते, तुम लोग के भलाई के लिए जो भी करेंगे वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा, तो ज्यादा परेशान नहीं हो उसमें। तो ISC लेक्चर थिएटर ऑफ अ कॉलेज इज 40 फीट वाइड एंड हैज अ डोर एट अ कॉर्नर। बार बार हाथ क्यों खड़े कर रहा है? हाँ निशांत, आपको सुनाई पड़ रही है आवाज? जी सर। हाँ ठीक है, आज आप नया ज्वाइन किए हैं क्या? जी। अच्छा, कौन से कोर्स में ज्वाइन किए? जी मतलब IIT के लिए ज्वाइन किए या नीट के लिए ज्वाइन किए? नीट के लिए सर। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, तो ये आप मुजफ्फरपुर से ज्वाइन किए या फिर पूर्णिया से ज्वाइन? मुजफ्फरपुर से सर। ठीक है बेटा, जी हम लोग आज रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, जो मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशंस के क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कुछ चैप्टर इसमें आपने कुछ? अभी तो नहीं सर। अच्छा अच्छा ठीक है, जहाँ दिक्कत आएगी वहां पूछ लीजिएगा मेरे से जो नहीं समझ। सो ISC lecture theater of a college is 40 feet wide and has a door at a corner. तो एक हमारा lecture theater है, है ना, जो कि 40 feet wide है और उसके door at a corner, इसके एक corner में यहाँ पे एक दरवाजा है और इसका जो width है वो 40 feet हो गया। A teacher enters at 12 noon, 12 बजे ये एक teacher enter करता है इसमें, through the door and makes 10 rounds along the 40 feet wall back and forth. और पढ़ाने के दौरान ये इधर से इधर जाना और वापस आना ऐसे ऐसे कितने राउंड कर रहा है, ये 10 rounds along the 40 feet wall back and forth, मतलब जाना और आना ऐसे ऐसे कितने rounds हो गए, 10 rounds हो गए। ठीक है, तो total distance जो cover कर रहे हैं ये, so total distance is equal to 10 into 2 into 40, 10 राउंड है, एक राउंड में दो 40, मतलब 40 फीट जाना और 40 फीट आना, तो टोटल 80 फीट जा रहा है एक राउंड में और 10 राउंड ऐसा जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 800 फीट हो गया जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किए यहाँ से स्टार्ट करके जो वापस आते हैं, 40 फीट जाना 40 फीट आना तो 80 फीट, और ऐसे ऐसे 10 राउंड्स लगा रहे हैं तो 800 फीट हो गया। सो 10 rounds along the 40 feet wall back and forth during the period and finally leaves the classroom at 12:50 PM. और वापस बाहर कब निकल रहे हैं, 12:50 पे। तो क्लास के अंदर कितना देर इन्होंने बताया, 50 मिनट्स इन्होंने क्लास में बिताया और जिसमें ये डिस्टेंस जितना ट्रेवल किए वो 800 फीट था। कंप्यूट हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो दोनों चीज निकालना है। तो देखिए एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो उसमें टोटल डिस्टेंस लेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल चल रहे हैं 800 फीट और टोटल टाइम जो ले रहे हैं ये 50 मिनट्स का ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग फिट पर मिनट में निकालने की कोशिश करें तो ये जो एवरेज स्पीड हो गया इसका 16 फिट पर मिनट हो गया। और अगर एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट Mm-hmm.
बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है क्योंकि जहां से अंदर जा रहे हैं वहीं पे वापस आ जा रहे हैं. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब पूरा जब कवर होके यहीं से वापस आ गया तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. टोटल टाइम टेकन यहाँ 50 है. 0/50 जीरो फिट पर मिनट ये एवरेज वेलोसिटी होगी. नेट डिस्प्लेसमेंट जहां से अंदर जा रहे हैं वहीं से वापस आ रहे हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया. और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी. ये इसका पोजीशन बताता है. पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस. न्यूमेरिकल वैल्यू इसका ए बी सी और डी है. इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और 1, 4, -2 और 5 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है. ए का वैल्यू 1 है, बी का 4 है, सी का -2 है और डी का 5. कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके वैल्यूज दिए हुए हैं एंड एसआई यूनिट्स आर यूज्ड. इन सब में एसआई यूनिट हो रहा है. अब एक्स क्या है, ये पोजीशन को बताता है. नाउ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी. डायमेंशन अगर हम लोग देखें तो देखो बाय by homogeneity of dimensions LHS और RHS में dimension same होना होगा. homogeneity principle से अगर हम बात करें तो x is equal to हमारा दे रखा है at cube plus bt square plus ct plus d. ये हमारा x का value है. ये सारे जो values हैं at cube bt square ct और d इनको add तभी कर सकते हैं जब इनका dimension same है. और इन सभी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, x के डायमेंशन के बराबर. तो x का डायमेंशन अगर हम लिखते हैं तो लेंथ का डायमेंशन होगा. पोजीशन है तो इसका डायमेंशन लेंथ का होगा. तो a का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन ए टी क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस ऑफ b का डायमेंशन बी टी स्क्वायर सी टी और डी. तो इन सब का डायमेंशन सेम है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है. तो आप ये देखेंगे कि जो एल का डायमेंशन है ये पहले वाले टर्म का डायमेंशन एल के डायमेंशन के बराबर ही होगा. ए टी क्यूब का डायमेंशन एल के बराबर होगा. तो ए का अगर डायमेंशन निकालना होगा टी क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो एल बाय टी क्यूब हो गया. तो एल टी माइनस थ्री ये हमारा ए का डायमेंशन होगा. उसी तरह अगर हम लोग बी टी स्क्वायर को लेके चले एल का डायमेंशन बी टी स्क्वायर के बराबर होगा. तो इससे बी का जो डायमेंशन है एल बाय टी स्क्वायर मतलब एल टी माइनस ऑफ टू ये बी का डायमेंशन हो गया. बी के डायमेंशन के बाद सी टी का जो डायमेंशन है अब ये जो c का डायमेंशन होगा दिस विल बी इक्वल टू l बाय t विच इज इक्वल टू l t माइनस 1. और जो l का डायमेंशन है अब ये d का डायमेंशन तो l के डायमेंशन के बराबर ही. तो a b c d ये सभी का डायमेंशन निकल गया यहाँ पे l t माइनस 3 l t माइनस 2 l t माइनस 1 और l के बराबर. ये ए बी सी डी का डायमेंशन हो गया. तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सॉल्व ए पार्ट. बी पार्ट में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड. तो वेलोसिटी हमें पता है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन डीएक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है ना. डिफरेंशिएट कर देंगे इसको. डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर
प्लस सी टी प्लस डी, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में. तो अंदर लेके जब जाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए टी क्यू विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ बी टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ सी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और डिफरेंशिएशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना. अंदर लेके जाएंगे तो सारे एडिशन के अंदर डिफरेंशिएशन का साइन चला जाएगा. ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये बाहर हो जाता है, है ना. और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा. टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, एक्स रेस टू द पावर एन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये एन इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन होता है. सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, टी क्यूब का होगा तो थ्री इंटू टी रेस टू द पावर थ्री माइनस वन, तो थ्री टी स्क्वायर हो गया. और बी टी स्क्वायर है तो बी इंटू टू रेस टू द पावर टू इंटू टी रेस टू द पावर टू माइनस वन, वन हो गया. प्लस सी इंटू वन, टी का डिफरेंशिएशन वन होता है और डी का डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए. सो ये हमारा हो जाएगा थ्री ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी. अब हम लोग टी का वैल्यू यहाँ पे क्या रख रहे हैं, फोर सेकेंड, और ए बी सी डी का ये जो वैल्यू दे रखा है वो अगर रख देंगे तो हम लोग को वैल्यू पता चल जाएगा. ए का जो वैल्यू है ये वन है, सो थ्री इंटू वन इंटू फोर स्क्वायर. प्लस बी का वैल्यू फोर है तो टू इंटू फोर इंटू फोर. और सी का वैल्यू माइनस टू है. हम सबको सॉल्व कर लो तो 16 इंटू थ्री 48, 32 माइनस टू, 48 और 30 कर लेंगे तो 78 हो जाएगा. 78 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया. क्लियर है बच्चों? यस सर. उसके बाद आपको कह रहा है एक्सेलरेशन निकाल, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू 2 इज इक्वल t इज इक्वल टू 4, और एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4. ये लिख लिया सबने? इसको हटाए मिटाए? सी पार्ट अगर हम देखें, सी पार्ट में हम लोग को कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड. तो हमारा एक्स अगर ए बी सी डी का वैल्यू डाल दो तो ये है एक्स एट टी क्यूब प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 5. अब वेलोसिटी हमारा dx अपॉन dt था तो ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2, ये हमारा वेलोसिटी था. और इसको एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है. इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. So this is 60 plus 8. So at t is equal to 4 second, हम लोग निकालेंगे. So acceleration is 6 into 4 plus of 8. 6 4s are 24 plus 8, 32 meter per second square. C part का हो गया. B part कह रहा है average velocity निकालने, right? So average velocity is equal to net displacement. एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम.
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। सो अब हम लोग अगर एवरेज वेलोसिटी देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड हम लोग को निकालना पड़ेगा और पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड निकालना। तो एक्स 4 क्या बता रहा है, पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा पोजीशन का जो इक्वेशन है, टाइम 4 सेकंड कर देंगे यहाँ पे, तो 4 क्यूब प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस ऑफ 5 64 प्लस 64 माइनस 8 प्लस 5, सो दिस इज 128 माइनस 8 120 प्लस 5 125 मीटर हो गया। पोजिशन एट 4 सेकेंड, पोजिशन एट 0 सेकेंड देखोगे इनिशियल पोजिशन इसका, तो ये हो जाएगा 0 क्यूब प्लस 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, तो ये 5 मीटर हो गया। अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पोजिशन एट 4 सेकेंड माइनस पोजिशन एट 0 सेकेंड। पोजिशन 4 सेकेंड पे है हमारा 125 मीटर, 0 सेकेंड पे 5 मीटर है, तो ये 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो एवरेज वेलोसिटी में नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सो दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी के बाद जो डी पार्ट है, सॉरी डी पार्ट नहीं ई पार्ट है, ये कह रहा है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी वेलोसिटी एट 4 सेकंड अगर हम लोग निकालते हैं, तो v ये दे रखा है हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन, 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकालेंगे दैट विल बी 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 माइनस 2, सो दिस इज 16 इंटू 3 48 प्लस 32 माइनस 2, सो 78 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी एट 0 टाइम 0 पे जो वेलोसिटी था 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 माइनस 2, सो दिस इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी था। सो चेंज इन वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, देखो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी ये था और 0 सेकेंड पे वेलोसिटी ये है, तो चेंज हो जाएगा 78 माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4 सेकेंड, तो 80 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो देखो अलग है एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में डिफरेंस है, एक्सेलरेशन 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकलता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यहां पे भी इसको ऐसे समझो, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। यार बच्चों, यस सर लिख लिया सभी ने,
And from the velocity time graph of a particle given in figure, describe the motion of the particle quantitatively in the interval 0 to 4 second. ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 4 second तक का अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो velocity uniformly increase कर रहा है. ठीक है, velocity uniform increase हो रहा है, मतलब uniform acceleration हो गया. वेलोसिटी यहाँ यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हो गया. इधर भी यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ही है, फिर से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया. तो 0 से 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन है, 1 से 3 सेकेंड डिसेलरेशन है, और 3 से 4 सेकेंड फिर एक्सेलरेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस ट्रेवल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है तो ये एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया हम लोग निकालते हैं. तो दिस इज, इसका एरिया निकालोगे तो मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, मतलब ओ बी इंटू हाइट. हाइट मान लो ये, तो इसमें वैल्यूज डालोगे, ओ बी हमारा क्या है 2 सेकेंड्स है, और हाइट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज 10 मीटर. सो द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 10 मीटर. बी पार्ट पे आते हैं, ड्यूरिंग द टाइम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 2 से 4 सेकेंड पे. तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम ही होगा. ठीक है, देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है ये एरिया. बट एरिया हम लोग अगर मैग्नीट्यूड बस निकालें, डिस्टेंस में क्या होता है एरिया का मैग्नीट्यूड बस निकालते हैं, तो वहां पे फिर हम लोग एरिया को बस मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव साइन नहीं देंगे. सो डिस्टेंस इन द इंटरवल 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड करोगे तो ये भी सेम आ जाएगा, 10 मीटर ही आ जाएगा एरिया ऐसा. सो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी. सी पार्ट में कह रहा है ड्यूरिंग द टाइम 0 टू 4 सेकेंड, डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, तो डिस्टेंस क्या करेंगे, दोनों का एरिया एड कर देंगे. डिस्टेंस फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी. दोनों के ट्राइंगल का एरिया को एड कर देंगे, दोनों के एरिया को एड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 टू 4 सेकेंड, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वहां पे इसके एरिया को, यहाँ पे एरिया में डिस्प्लेसमेंट के केस में एरिया में नेगेटिव साइन डालेंगे ये बी सी डी वाले में. क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ना. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के केस में 0 टू 4 सेकेंड में जो एरिया एक्स एक्सिस के टाइम एक्सिस के ऊपर होता है इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ये एरिया हो जाएगा पॉजिटिव और ये जो नीचे वाला एरिया है वो हो जाएगा नेगेटिव. सो डिस्प्लेसमेंट जब 0 टू 4 सेकेंड लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, दोनों के डिफरेंस को ले लेंगे. ओ ए बी का एरिया क्या हो जाता है हमारा, 10 मीटर हो जाता है. बी सी डी का एरिया क्या हो जाता है, 10 हो जाता है. 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा.
सो डिस्प्लेसमेंट 0 to 4 सेकेंड में 0 मीटर है। ई पार्ट अगर हम लोग देखें, यहां पे कह रहा है कि एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ये कौन बताएगा? बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? तो उसका स्लोप निकालेंगे ना सर? बेटा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमारा, बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ये क्या कर रहा है, जीरो से एक्सेलरेशन कहां पे निकालने बोल रहा है? 1/2 सेकंड पे। तो 1/2 सेकंड मतलब यहां पे कहीं पे होगा 1/2 सेकंड। तो 1/2 सेकंड यहां पे एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, मतलब इस लाइन का स्लोप निकालने बोल रहा है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एट टी इज इक्वल टू हाफ सेकेंड, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ OA हो गया। स्लोप ऑफ OA का मतलब कि ये y by x, स्लोप मतलब क्या होता है, परपेंड, मतलब जो ये डिस्टेंस है y डिवाइडेड बाय x कर दोगे तो हमको स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, राइट। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 अगर हम लोग करेंगे, मतलब y2 - y1 / x2 - x1 हम लोग कर रहे हैं, सो दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट में एक्सेलरेशन है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, यहां पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो दिस विल बी इक्वल टू, सो टाइम 2 सेकेंड पे स्लोप निकालोगे तो ये हो जाएगा, जो चेंज इन मतलब y2 - y1 कर लो तो यहाँ पे ये जो है ये नेगेटिव है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं -10 / 3 - 2 कर देते हैं। मतलब ये बीसी का स्लोप निकाल रहे हैं, बेसिकली बीसी का स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये -10 / 3 - 2 1 हो गया, तो ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? निशांत आपको आ रहा है समझ? यस सर। बहुत बढ़िया। और एक और नया बच्चा दिख रहा है मुझे, नवनीत, आप आज ज्वाइन किए हैं? अच्छा, इसके पहले कहीं पढ़ रहे थे अपने से या कुछ पढ़ाई किए थे खुद से? कर रहे थे। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना जो हम लोग कर रहे हैं अभी? जी सर। हाँ ठीक है बेटा। हो गया, आ गया समझ आप लोग को? लिख लिया ना सबनों बच्चों? यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट अ टाइम टी सेकेंड, द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकेंड एंड 1 सेकेंड लेटर द स्पीड बिकम्स 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन and the distance traveled during the t plus 1th second. तो अभी क्या है कि एक तो particle starts from rest with a constant acceleration. t second के बाद उसका velocity at t is equal to t second
एट टी सेकेंड जो वेलोसिटी वी वन है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो गया, एंड वन सेकेंड लेटर मतलब टी प्लस वन सेकेंड पे इसका जो वेलोसिटी हो गया ये 150 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, सो एक्सेलरेशन मान लो ए है तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। सो अब कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब अगर हम लोग v1 करते हैं, v1 इज इक्वल टू u प्लस a टाइम्स t, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा v1 इज इक्वल टू जीरो प्लस एटी, सो ये विच इज इक्वल टू एटी हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू u प्लस a टाइम्स, अब टाइम कितना लेंगे t प्लस वन लेंगे, सो हमारा v2 इज इक्वल टू जीरो प्लस a टाइम्स t प्लस वन हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, टू माइनस वन करोगे तो ये हमारा निकल जाएगा वी टू माइनस वी वन इज ए टी प्लस ए माइनस ऑफ ए टी, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू ए हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, और वी टू हम लोग को दे रखा है 150 माइनस 100 which is equal to 50 meter per second square. अब B part में कह रहा है distance travel during the t plus 1th second. So distance travel in t plus 1th second, जो last second में बात कर रहे हैं इसका हम लोग derivation भी किए थे, तो distance travel in t plus 1 second minus distance travel in t second is equal to डिस्टेंस ट्रेवल इन टी प्लस वन सेकेंड मतलब दसवें सेकेंड में, मान लो तुमको दसवें सेकेंड में टाइम निकालना है तो दस सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे नाइन सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दसवें सेकेंड में एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लास्ट वो वन सेकेंड में, नाइन सेकेंड से टेन सेकेंड के बीच में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम लोग को निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन टी प्लस वन एथ सेकेंड, सो दिस इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली भी यहां पे हम लोग कर सकते हैं और स्टार्ट से भी कर सकते हैं, जो भी है ना दोनों तरह से हम लोग चीज कर सकते हैं। वी टू पता है, वी वन पता है, तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग कर सकते हैं वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एस, मतलब वो जो लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस है, बी टू स्क्वायर हो गया 150 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस ऑफ टू इंटू एक्सेलरेशन है 50 इंटू टू इंटू 50 इंटू डिस्टेंस एस, सो 100 और ये 150 स्क्वायर हो गया हमारा 225 और 00 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, तो ये 100 तो ये यहाँ पर से 100 दोनों में से कैंसिल कर दो, सो 125 इज इक्वल टू एस, सो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 125 मीटर। यहाँ पे भी सीधे भी हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है, कि भाई v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a into 1 last 1 second में, तो इससे भी acceleration निकल जाता है, v2 minus v1 is equal to acceleration, start से नहीं भी करते तो भी आ जाता है 150 minus 100 करके a is equal to 50 meter per second square, इसको भी हम लोग use कर सकते थे। clear है बच्चों? yes sir. Yes, sir.
लिया आप लोगों ने? यस सर। A boy stretches a stone against a rubber tape of a catapult or gulel. ना गुलेल होता है ना, उसमें पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है। डिवाइस यूज्ड टू डिटैच मैंगोज फ्रॉम ए ट्री बाय बॉयज इन द इंडियन विलेजेस। ना आम आम तोड़ने के लिए, जो आम कच्चा आम तोड़ने के लिए यूज करते हैं। थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर बिफोर लीविंग इट, ठीक है, तो उसको स्ट्रेच कितना कर रहे हैं, 24 सेंटीमीटर से पीछे की तरफ। द टेप रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल पोजिशन एक्सेलरेटिंग द स्टोन ओवर द स्ट्रेच्ड लेंथ। The stone leaves the gulel with a speed of 2.2 meter per second. Assuming that the acceleration is constant while the stone was being pushed by the tape, find its magnitude. तो हम लोग को acceleration निकालना है, तो annotation use करें please. तो 24 सेंटीमीटर बिहाइंड लीविंग इट, तो जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर हो गया। S इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.24 मीटर हो गया। इनिशियल स्पीड U इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड यहाँ पे 2.2 मीटर पर सेकेंड है, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। ये बेसिकली गुलेल है और यहाँ पे हम लोग पत्थर बांधे हुए हैं, उसको इतना स्ट्रेच किए, स्ट्रेच कितना किए हैं हम लोग 24 सेंटीमीटर से, और उसके बाद इसको जब लीव किए नॉर्मल पोजीशन पे जब आया, तो उस समय जो उसका वेलोसिटी था वो 2.2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जब छोड़े थे खींच के गुलेल को, राइट, इसको छोड़े थे तो उस समय इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड। गुलेल चलाए हो ना तुम लोग, है कि सोफिस्टिकेटेड से सब। चलो यहाँ पे तो अब हम लोग को यहाँ पे एक्सेलरेशन, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ए निकालना है। हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सो 2.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू 0.24, तो 2.2 स्क्वायर मतलब 4.84 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 4.84 इज इक्वल टू 0.48 इनटू ए, सो ए इज इक्वल टू 4.84 बाय 0.48, तो दिस इसका जो वैल्यू आएगा डिवाइड करके ये 10.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सेवेंथ क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये आ चुका है हर जगह, आईआईटी में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट ऑन अ स्ट्रेट रोड, है ना। एक इंस्पेक्टर है, ये पिक पॉकेट मतलब वो पॉकेट मार को, ठीक है ना, वो उसको चेज कर रहा है। द जीप इज गोइंग एट अ मैक्सिमम स्पीड वी, जीप क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, मैक्सिमम स्पीड वी से मूव कर रहा है। द पिक पॉकेट राइड्स ऑन द मोटरसाइकिल ऑफ अ वेटिंग फ्रेंड, एक उसका दोस्त वेट कर रहा था, है ना, और जल्दी से दौड़ के जाके वो पिक पॉकेट उसके पीछे बैठ जाता है, ठीक है, वो जो पॉकेट मार है, ऑफ अ वेटिंग फ्रेंड व्हेन द जीप इज एट अ डिस्टेंस डी मीटर अवे। तो जीप जब ये इसके मोटरसाइकिल से डी मीटर के डिस्टेंस पे था, तब ये आदमी आके इसके ऊपर बैठ जाता है, ये जो पॉकेट मार है। एंड द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स विद एन एक्सेलरेशन ए,
है ना, एक्सेलरेशन ए से स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है क्योंकि रेस्ट पे था, सो दैट द पिक पॉकेट विल बी कॉट इफ वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 280। देखो हम लोग को ये शो करना है कि पिक पॉकेट को पुलिस जीप कब पकड़ पाएगा, वो क्या कंडीशन है जब पकड़ पाएगा। तो मान लो पिक पॉकेट को टी टाइम के बाद पुलिस पकड़ लेता है, ठीक है, सो लेट द इंस्पेक्टर कैचेस द पिक पॉकेट आफ्टर टाइम टी, मान लो टी टाइम के बाद इसको ये पकड़ ले रहा, ठीक है। तो अब देखो उस टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिल इन टी सेकेंड्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो दैट मीन्स ये जो पिक पॉकेट डिस्टेंस मूव किया है ये कितना मूव किया है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये पिक पॉकेट यहां से यहां ये डिस्टेंस एस मूव किया है विच इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो पुलिस वाला है वो कितना डिस्टेंस उसी टाइम में मूव करेगा, एस प्लस डी, ये डिस्टेंस एस और प्लस डी, एस और डी को ऐड करके पुलिस वाला ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर पिक पॉकेट को पकड़ना है। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस जीप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जीप इन टी सेकेंड्स, एस तो जाएगा ही प्लस ऑफ डी, जितना पीछे था वो भी डिस्टेंस कवर करेगा और जो जितना डिस्टेंस ये मोटरसाइकिल उस टाइम में गया है वो भी डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों का सम जाएगा। तो एस प्लस डी, अच्छा और डिस्टेंस ट्रेवल पुलिस जीप का क्या होगा, स्पीड कॉन्स्टेंट है वी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, तो वी इंटू डी इज इक्वल टू एस प्लस डी, राइट। सो अब आप क्या करें, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इसमें से सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं वन एंड टू को साथ में तो हमारे पास हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वी टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस और डी हो जाए, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग साथ में लेते हैं हम लोग को t के लिए सॉल्व करना है तो आप बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, 2vt इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2d, हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इससे आ गया ए टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू माइनस बी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2v प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4v स्क्वायर माइनस 8ad डिवाइडेड बाय 2a, दिस विल गिव यू t इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो v प्लस माइनस, अंदर से 4 कॉमन लेके बाहर कर लेंगे स्क्वायर रूट से, v स्क्वायर माइनस 2ad डिवाइडेड बाय a। अब देखो ये पुलिस वाला कब पकड़ पाएगा, जब टाइम एक रियल वैल्यू होगा, फॉर t टू बी रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हो ना, t रियल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। सो फॉर टी टू बी रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स रियल कब होता था, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। सो फॉर टी टू बी रियल वी स्क्वायर माइनस 2ad हैज टू बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 2ad,
मतलब v इज ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट अंडर 2ad, यही हम लोग को प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों? यस सर। इस तरह का क्वेश्चन काफी आता है नीट में बेसिकली। इसमें यहाँ पे तो जनरल टर्म्स में दिया हुआ, वहां पे नंबर्स दिए होंगे, v का वैल्यू दिया होगा, a का वैल्यू दिया होगा, d का वैल्यू दिया होगा। अगर तुमको रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर तुम याद करने में सक्षम हो इसको 2ad और इसको रिटेन करने में, तो इसको याद रहेगा तो तुम सीधे। देखो क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन होता है, वो इसलिए कहते हैं कि तुम अगर 10 बार ये क्वेश्चन किए हो तो तुमको याद है कि भाई v ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट अंडर 2ad है। इसमें अगर कोई नंबर वाला चीज आ गया कि भाई वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है, तो तुम इतना टाइम तुमको नहीं लगेगा, तुम समय बचा लोगे वहां पे सीधे वैल्यूज पुट कर। तो ये फायदा होता है ज्यादा प्रैक्टिस करने से, चीजें याद रहती हैं आपके दिमाग में रहती हैं और फिर टाइम आपको कम लगता है उसी चीज को सॉल्व करने। ठीक है बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, काफी किताबों में आपको मिलेगा भी। So car is moving at a constant speed of 40 km per hour along a straight road which heads towards a vertical wall, large vertical wall, and makes a sharp 90 degree turn by the side of the wall. A fly flying at a constant speed of 100 km per hour starts from the wall towards the car at an instant when the car is 20 km away, flies until it reaches the glass pane of the car and returns to the wall at the same speed. It continues to fly before the car and between the car and the wall till the car makes the 90 degree turn. What is the total distance the fly has traveled during this period and how many trips has it made between the car and the wall? So, ये देखो समझो question क्या बोल रहा है पहले। तो ये अगर हमारे पास एक car है और ये वॉल है, तो यहां पर से एक फ्लाई है ना मक्खी बेसिकली, और कार 40 किलोमीटर पर आर के स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। सो ये जा रहा है 40 किलोमीटर पर आर के स्पीड से, और ये जो फ्लाई है मतलब मक्खी है, ये जा रहा है 100 किलोमीटर पर आर के स्पीड से। ठीक, इस कार के ये पेन विंडो पेन मतलब जो सामने वाला जो ग्लास पेन होता है जो ड्राइवर के सामने लगा होता है शीशा, ये यहां से जो इसका डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर इनिशियल। अब जब ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आर के स्पीड से, और फ्लाई भी 100 किलोमीटर पर आर, तो ये क्या है, ये दोनों कहीं रास्ते में मिलेंगे, राइट? यहाँ पे मान लो मिलते हैं। अब जब ये टकराएगा इससे आके गाड़ी से, तब ये फ्लाई वापस जो है लौट जाता है, लौटता है फिर से दीवाल को टच करेगा, और दीवाल को टच करने के बाद वापस आएगा, और ये कंटिन्यू करता रहेगा टू एंड फ्रो मोशन जब तक ये, और अगली बार जब आएगा तो गाड़ी और आगे चली जा चुकी होगी, यहाँ पे आ चुकी होगी जो नेक्स्ट टाइम टर्न लेके आएगा। तो ये कंटिन्यूअसली करता रहेगा कब तक, जब तक कि गाड़ी टर्न ना ले ले, मतलब गाड़ी यहाँ से ये 20 किलोमीटर तक पहुंच ना जाए, तब तक ये करता रहेगा। सो पहले तो ये निकालो कि कितने टाइम तक ये जो है मक्खी मूव करते रहेगा। तो
तो आप क्या करो कि जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो कार चल रहा है और 20 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है उसको, वो कितना टाइम लगाएगा. सो टाइम टेकन बाय कार टू रीच द वॉल इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे. डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1/2 hours हो गए. ठीक है, 1/2 hours या 30 मिनट्स जो भी कर, इतना टाइम लगता है कार को यहाँ पहुंचने में. अब सिंपली अब कार के मोशन को भूल जाओ, तुमको ये पहले पार्ट में निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लाई. मक्खी कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करता है, स्पीड हमको फ्लाई का पता है और ये हमें पता है कि ये आधे घंटे लगाएगा गाड़ी यहाँ से यहाँ आने में, बॉल तक आने में, मतलब इस पोजीशन से बॉल तक आने में हाफ एन आवर लगता है. तो उस आधे घंटे तक ये मक्खी घूमती रहेगी, जिधर भी घूमे पहले गाड़ी के पास जाए वापस आए, फिर गाड़ी के पास जाए फिर वापस आए, ये कितने टाइम तक हवा में रहेगी मक्खी, आधे घंटे तक. और उसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लाई ये डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं. सो पहला पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्लाई into time for which it is moving. कितने टाइम तक ये मूव कर रहा है हवा में, उतने टाइम तक ये मूव करेगा जितने टाइम में गाड़ी वहां पहुंच रही है. तो स्पीड ऑफ फ्लाई जो है वो 100 किलोमीटर पर आ रहा है और टाइम हाफ है, हाफ आवर है, तो ये कितना हो गया 50 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस जो फ्लाई मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है, 50 किलोमीटर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब बी पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कह रहा है हाउ मेनी ट्रिप्स हैज इट मेड बिटवीन द कार एंड द वॉल. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो कार इनिशियली ए पे था, ठीक है, और जो पहली बार जो ग्लास पेन को हिट कर रहा है, जो ए बी डिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू मान लो बी पॉइंट पे आके हिट करता है, ये बी, इसको मतलब ये इसको बी ले लो, इसको ओ ले लेते हैं. तो जो गाड़ी जब यहाँ पे आ गई है ना बी पॉइंट पे, तब ये यहाँ से इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लो टी टाइम के बाद पहली बार हिट करता है उसको. सो लेट टी इज द टाइम फ्लाई हिट्स द ग्लास पेन, लेट फ्लाई हिट्स द ग्लास पेन at B, after time T, T time के बाद पहली बार ये जो यहां से चला, O से fly चला B point पे जो पहुंचा, right, OB distance ये और AB distance ये, इन दोनों को हम लोग अलग अलग निकालते हैं, तो AB क्या हो जाएगा, speed of car into time T, और जो OB हो जाएगा that is speed of fly into time T, राइट. और इन दोनों को मिला के मतलब ए बी प्लस ओ बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर है, तो 140 टी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. सो टाइम क्या हो जाएगा 20/140, ठीक है, 20/140 हो गया हमारा टाइम. So, 1/7.
वन अपॉन सेवन हो गया हमारा, जो पहली बार जब मीट करता है। तो उसी तरह जो दूसरी बारी मीट करेगा, तो अगर हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए ये ए बी हम लोग ने निकाल लिया 40 टी, ओ बी हमारा 100 टी हो गया, तो किसी भी टाइम पे लेट द डिस्टेंस भी, तो ये अभी हम 20 किलोमीटर के जगह अगर हम लोग मानते हैं किसी टाइम टी पे, मान लो ये एक्स किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, तो उस समय ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन, सो एक्स किलोमीटर इज इक्वल टू 100 टी प्लस 40 टी, 140 टी, एक्स बाय 140 टी हो जाएगा। एक्स बाय 140 टाइम हो जाएगा, और अगर ओ बी डिस्टेंस हम लोग को निकालना होगा जितना ये मूव किया है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, 100 इनटू एक्स बाय 140, सो दिस विल बी 5x/7, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगी। अब नेक्स्ट केस में मान लो, दूसरे केस में जब ये सी पॉइंट पे पहुंच गया, तो उस केस में जो टाइम टेकन बाय द फ्लाई इन दिस रिटर्न पाथ, जब ये कार बी से सी पहुंचा है, उस समय ये फ्लाई रिटर्न होके यहां तक पहुंच गया, इस पॉइंट पे वापस जो वॉल पे वहां पे पहुंच गया, सो दिस इज इक्वल टू, तुम लोग ये इतना लिख लियो, तो पहला पार्ट लिख लियो, तो उसको मिटा के फिर साफ से लिखें, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इतना लिख लियो, ए पार्ट तक लिख लियो, यहां तक मैं फिर से एक फिगर बना के ढंग से थोड़ा बताऊं तुम्हें। वहां तक हो गया बच्चे, पीछे ए ए पार्ट तक? यस सर। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि ये पहले ए पे था, बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, लेट्स से डी पे पहुंचा, और ये हुआ। इनिशियली जब ये स्टार्ट किया था, लेट्स से ये जो डिस्टेंस यहाँ पे किसी टाइम टी पे, ये एक्स डिस्टेंस पे है वॉल, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये बात किया था कि भाई जो ए है, ये जो डिस्टेंस, मान लो पहला जो ये जो टाइम है, जब पहली बार ये जो फ्लाई यहाँ से यहाँ मूव किया, सो हिट्स द कार एट टाइम टी, तो पहले ये जो एटी होगा ये मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जो फ्लाई मूव कर रहा है ये 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ए बी जो डिस्टेंस है ये 40 इंटू टी है, क्योंकि टी टाइम के बाद पहली बार हिट कर रहा है बी पॉइंट, और जो ओ बी है ये हम लोगों ने निकाला था 100 टी है। तो ये जो डिस्टेंस एक्स है, दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ओ बी, सो 40 टी प्लस 100 टी 140 टी हो गया। सो जो टाइम है, e is equal to x by 140 हो गया, so this will be, इससे हमारा OB is equal to the speed into time means 100 into t, 100 into x by 140, so ये जो OB है, this is equal to 5x/7।
सो फ्लाई रिटर्न्स टू वॉल एंड ड्यूरिंग दिस टाइम कार मूव्स टू सी. जितने देर में फ्लाई रिटर्न किया उसने देर में कार जो है सी पे पहुंच गया. सो टाइम टेकन बाय द फ्लाई टू रिटर्न इज इक्वल टू वापस जाने में कितना टाइम लगेगा. डिस्टेंस है 5x बाय 7 और स्पीड है 100. 5x बाय 7 बाय डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम बताता है. तो ये हमारा हो जाएगा x बाय 140. जितने टाइम में यहाँ पहुंचा था उतने ही टाइम उसको वापस जाने में लगा x बाय 140. और उस टाइम में इस टाइम में BC जो कार जो मूव किया होगा वो स्पीड इनटू स्पीड इसका 40 है इनटू x बाय 140 कर देंगे. So, ये हमारा निकल जाएगा 2x by 7 उस टाइम. तो ये जो OC जो डिस्टेंस है अगर अगले ट्रिप में जो उसको ट्रेवल करना है टोटल डिस्टेंस इन दोनों को OC इज इक्वल टू टोटल है हमारा OB माइनस BC कर देंगे. OB माइनस BC OB हम लोगों ने निकाल रखा है 100t है. OB is 5x by 7 और BC है 2x by 7. तो ये हमारा हो गया 3x by 7 OC का डिस्टेंस. अब इसके बाद जो है हम लोगों को मतलब ये क्या निकलता है कि हर एक ट्रिप के बाद 3 by 7 ऑफ द डिस्टेंस उसका बचता है एक ट्रिप के बाद. मतलब अगर इनिशियली 20 किलोमीटर डिस्टेंस था ठीक है So, distance between car and wall after one round trip of fly. ये जो मक्खी के एक राउंड ट्रिप के बाद डिस्टेंस जो कार और वॉल के बीच में बचा है वो ये है ओसी. ये डिस्टेंस बचा बिटवीन द कार एंड द वॉल. तो ये जो डिस्टेंस है ये 3x बाय 7 है. इनिशियली x था तो एक एक राउंड ट्रिप के बाद जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 3x बाय 7 राइट. तो इनिशियल डिस्टेंस अगर 20 है लोगों ने x लेके किया. अब इनिशियल डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर है सो डिस्टेंस ऑफ कार एट बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ट्रिप इज इक्वल टू सेकेंड ट्रिप के समय कार का जो डिस्टेंस वॉल से था वो क्या हो जाएगा 3x by 7 मतलब 20 into 3 by 7. फिर distance of car at beginning of third trip निकालोगे इसी तरह से. So third trip का भी same चीज हो जाएगा 20 into 3 by 7 into 3 by 7 मतलब 3 by 7 square हो गया. उसी तरह distance at the beginning of nth trip nth trip के स्टार्ट पे जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 20 इंटू 3 बाय 7 रेज टू द पावर एन. ये nth ट्रिप के स्टार्ट में ये इसका होगा.
सो थर्ड ट्रिप में टू था तो nth ट्रिप में ये n माइनस वन हो जाएगा, एक एक लेस है. सेकेंड ट्रिप में थ्री रेस 3/7 रेस टू द पावर 1 था, थर्ड ट्रिप में 3/7 रेस टू द पावर 2 है. तो nth ट्रिप के स्टार्ट में 3/7 रेस टू द पावर n माइनस 1. तो बिकॉज यहाँ पे कोई भी अंत नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो हाउ मेनी ट्रिप्स जब पूछा है सो देर विल बी इनफाइनाइट ट्रिप्स. You cannot count the number of trips. There will be infinite trips of the fly between the car and the wall. ये continue करता रहे. Clear है बच्चों? क्योंकि ये देखो distance zero कब होगा? जब ये 3/7 raised to the power infinity होगा ना, तभी zero होगा. One से छोटा एक quantity है. कोई भी क्वांटिटी जो वन से छोटा होता है उसका इनफाइनाइट पावर जब करेंगे तब वो जीरो के बराबर होगा. तो डिस्टेंस जो है इन वॉल और कार के बीच में जो है वो इनफाइनाइट, मतलब ये एन का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तब जीरो होगा. तो एन का वैल्यू इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ ट्रिप्स क्या हो गए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिप्स हो गए. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ, खासकर जो लास्ट वाला पार्ट समझने के लिए, कि जैसे जैसे पास जाता जाएगा वो उसका जो मोशन है वो बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी से ये कार और वॉल के बीच में जाता रहेगा और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिप्स लगा लेगा जब तक कार वहां पहुंचेगा और मूव करेगा, मतलब 90 डिग्री का टर्न ले. So the infinite number of trips are possible by the fly before the car makes a 90 degree turn. Clear, bachcho? Yes, sir. Likh yes, sir. Tum logon ne likh liya? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम लोग जो है 22nd क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हो एचसी वर्मा का काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर. तुम्हारा जो होमवर्क है एचसी वर्मा, ठीक है, काइनेमैटिक्स का जो चैप्टर है एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन तक कर सकते हैं एक्सरसाइज. क्लियर है बच्चों? यस सर. ये तुम्हारा कल के क्लास में पहले तो तुम्हारा डाउट लेंगे जो तुम लोग भेजे हो और उसके आगे फिर ये करेंगे जो क्वेश्चंस रह गए. देयर आर अराउंड 20 क्वेश्चन अगली क्लास में खत्म हो जाएगा ये, तो फिर सारा ही तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो.